सो हे गाइस, वेलकम बैक गुरुजी के इलेक्ट्रिकल चैनल। और जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि 600 वाट को 700 800 वाट कैसे बनाए, उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो है कि उसी तरह के दो एम्पलीफायर को, चाहे वो 500 वाट का हो, चाहे वो 400 वाट का हो, चाहे वो 20 30 IC वाला हो, या चाहे वो 72 94, यानी सेम इक्वल, बिल्कुल सेम, यानी कि मतलब दो एम्पलीफायर जो बिल्कुल सेम कैटेगरी के हो, यानी उनके अंदर एक एक रेजिस्टेंस, एक एक कंपोनेंट बिल्कुल सेम हो, उसको हम ब्रिज पे कैसे चलाएं। और ब्रिज पे चलाने से पहले डायग्राम बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कैसे चला सकते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि ब्रिज पे चलाने के, जब हम ब्रिज पे चलाते हैं तो जो हमारे एम्पलीफायर्स के आउटपुट जो होती है लगभग 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ ब्रिज मोड ओप एम्प लगाया, उसमें ओप एम्प का सर्किट लगाया और 4 गुना आउटपुट ज़्यादा ले लिए। तो 4 गुना ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए आपका ट्रांसफार्मर भी पहले से ही उतना तगड़ा होना चाहिए कि आप उसको जब ब्रिज मोड पे चलाएं तो 4 गुना ज़्यादा आपको आउटपुट दे सके। अगर आपका ट्रांसफार्मर कैपेबल है तो वो 4 गुना ज़्यादा आउटपुट ट्रांसफार्मर से देगा, तो एम्पलीफायर आपका 4 गुना ज़्यादा साउंड देगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। और एक खास बात और है कि जब हम किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे चलाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होती है, जो उसका रेजिस्टेंस है, वो हाफ हो जाता है। यानी जब अगर वो 4 8 ओम का आपका एम्पलीफायर है तो वो ब्रिज मोड पे आने के बाद 4 ओम पे ही काम करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपका एम्पलीफायर 4 ओम के हिसाब से मॉडिफाई है तो जब उसको आप ब्रिज मोड पे चलाओगे तो वो 2 ओम पर ही काम करने वाला है। तो ये पहले क्लियर कर लें कि आपका एम्पलीफायर 2 ओम पे टिक सकता है या नहीं टिक सकता, वरना मत बनाओ, एम्पलीफायर को नुकसान होगा आपके बोर्ड को और आपको पैसे का भी लॉस हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो अब आ रहे हैं 4 ओम पे चल जाते हैं, यानी 8 ओम होते हैं, 4 ओम तक चल जाते हैं, लेकिन 2 ओम पे चलाने का सजेशन नहीं दूंगा मैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत बेसिक सी चीज़ होता है, ज़्यादा गहराई में जाके आपको जाना नहीं चाहता। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वैसे 45 58 के अलावा 2 3 तरह की और आईसी है जिसे आप ओप एम्प बना सकते हो। बहुत छोटा सा सर्किट होता है, मात्र 2 इंच की PCB पे आप उसको बना सकते हैं और उससे आप किसी भी सेम कैटेगरी के एम्पलीफायर को ब्रिज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ब्रिज करने का तरीका बता देता हूँ। बहुत हल्के हल्के कंपोनेंट्स, लगभग 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 20 से 30 रुपए या 50 रुपए में आप एक ओप एम्प बना लोगे, जिससे आप एक किसी भी दो सेम कैटेगरी के एम्पलीफायर्स बोर्ड को, दो सेम कैटेगरी के IC वाले एम्पलीफायर बोर्ड को ब्रिज कर सकते हो और आउटपुट 4 गुना तक ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं IC बना लेता हूँ 45 58, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि IC हमारे किस तरीके से दिखते हैं, फिर मैं उसका डायग्राम बनाऊँ। तो मोटी मोटी IC बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारी IC होती है जो कि 45 58 होती है। इसकी 8 लेग होती है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, और इसके अंदर का जो सर्किट होता है वो किस तरीके से होता है तो वो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऐसा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुभव होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी एम्पलीफायर का सर्किट अपने आप ड्रॉ कर पाओगे। और एक बार आप किसी चीज़ को पूरी तरह जान लो तो आप इसमें खुद का करेक्शन भी कर सकते हो और उसकी फिर बात ही कुछ अलग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये, और अब मैं इसकी वायरिंग बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 9 से VCC, 9 से 15 वोल्ट तक, यानी 9 से 15 वोल्ट तक चल जाएगा। और ये हो गया हमारा माइनस का, ये यानी कि प्लस का हो गया, और ये हमारा माइनस का हो गया 9 से 15। माइनस बना देता हूँ मैं, यहाँ प्लस बना दिया, VSS होता है 9 से 15 वोल्ट तक। ये तो वो हो गया, और ये हमारा जो मैं नंबर्स डाल देता हूँ, एक, माफ कीजिएगा, एक दो तीन
चार, ये हमारा हो गया 5, 6, 7, ये हो गया हमारा 8। तो 8 और जो नंबर 4 है ये हमारी पावर सप्लाई के लिए, जो 8 और नंबर 4 है ये हमारी पावर सप्लाई के लिए होती है। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और जो हमारा एक नंबर है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। एक ओप मतलब एक तरफ के सर्किट का आउटपुट है, ये होता है हमारा नेगेटिव, ये होता है हमारा प्लस। ऐसे ही इसमें 6 नंबर की पिन होती है नेगेटिव, यानी नेगेटिव इनपुट और पॉजिटिव इनपुट। इसमें हमारे ड्यूल ओप एम्प होता है, 58 कुछ इस तरीके से हमारी आईसी होती है, ठीक है। 8 नंबर 8 प्लस माइनस प्लस होता है, 9 से 15 वोल्ट तक दे सकते हो, और नंबर 4, और फिर ग्राउंड होता है जो सबका ग्राउंड एक हो जाता है। तो ये तो हमारी कुछ इस तरीके से आईसी होती है, बेसिक सा सर्किट है। अब मैं इसका एक साइड का ओप एम्प बना के दिखाता हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों को। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखा पाऊँ। तो अब मैं सिर्फ एक साइड का बनाऊँगा ओप एम्प, तो कुछ इस तरीके से ये हमारी इधर का बनाता हूँ मैं पहले। तो यहाँ 2 नंबर हो गया हमारा, 3 हो गया, और ये हमारा नंबर 1 हो गया, जिससे हमारी ऑडियो आउटपुट होगी, जिससे हम एक तरफ का सिग्नल लेंगे। तो इसमें हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 1K की भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा यहीं से वायर उठा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे हम, लगभग 1K से लेके, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सही नहीं बनाया मैंने, 1K से लेके 10K तक का रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा सकते हैं, जो कि हमारी हो गई हमारी नेगेटिव इनपुट पे, जो कि हमारी नेगेटिव इनपुट पे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 1K से लेके 10K तक आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिर इसी पॉइंट से हम एक कैपेसिटर ले लेंगे ताकि किसी तरह की फिल्ट्रेशन, और जो मतलब एक हमिंग सी की नॉइस आ जाती है, उस चीज़ को ये ख़त्म कर देगा। ये हमारा कैपेसिटर हो गया जो कि हमारा ग्राउंड से लग जाएगा, ठीक है। ग्राउंड का मतलब अभी बता देता हूँ, अभी इसमें क्योंकि 3 वायर होती है, प्लस माइनस और ग्राउंड, तो जो ग्राउंड है ना उसका भी सर्किट इसी में जोड़ दूंगा। अब जो हमारी ये हमारी ग्राउंड हो गई, ठीक है। अब एक ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हमारी माइनस की तरफ लग जाएगी, माफ़ कीजिएगा, जो माइनस वोल्टेज होती है, जो कि ये वाली वोल्टेज है, यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अब इसी पॉइंट से लेके इसके साथ इसको जोड़ देंगे, और इसकी वैल्यू भी आप 10 ओम रख सकते हैं, 10 ओम का या 10K का, 1K से 10K का इसको भी रख सकते हैं। 10 ओम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के बीच में से एक रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 ओम, इसको काट देता हूँ। इसी के बीच से एक रेजिस्टेंस उठा के जो कि हमारी 10K होगी, ठीक है, जो इसका आउटपुट सिग्नल है इसी पे जोड़ देंगे, ठीक है। और जो इस रेजिस्टेंस के जो यानी आउटपुट के पास से उठा के इसको हम ग्राउंड जोड़ देंगे, जो कि ना तो प्लस होगा ना नेगेटिव होगा, जो हमारा ग्राउंड होता है ना दोनों सप्लाई के जो बीच का, इस सिंबल से मेरा मतलब उस ग्राउंड से है, तो उस ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो हमारा एक तरफ का जो ये सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके के दो सर्किट बना के हम इसका ओप एम्प बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके दोनों सर्किट्स को एक साथ असेंबल करके बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके का बन सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरह का सर्किट। अब पूरे सर्किट को कैसे बना सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा क्रिटिकल सा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। तो अब इस जो मैं लास्ट सर्किट बनाऊंगा उसी में आपका ये ग्राउंड भी क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने तक दोस्तों, और कुछ भी वीडियो से सीखने को मिले तो हमें फॉलो ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसी ऐसी
काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा ताकि समझाने में आसानी हो। सबसे पहले जो इसका नंबर्स लिख देता हूँ, वन हो गया, ये हमारा नेगेटिव का आउटपुट हो गया, जो कि आईसी का जो सेकंड पिन है, वो माफ़ कीजिएगा इनपुट हो गया, ये प्लस वॉइसिंग है यानी प्लस इनपुट हो गया, जो कि नंबर 3 है। और यहाँ से 8 नंबर हो गया आईसी का, 8 नंबर जो कि ये 9 वोल्ट से, आप मैं यहाँ 9 वोल्ट लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, प्लस का 9 वोल्ट से लेके आप 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक ओपन बना दिया, तो इस पे भी मैं इसका नंबर लिख देता हूँ, जो कि प्लस पॉइंट हो गया, प्लस इनपुट हो गया, जो कि पिन नंबर 5 है, यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। और ये हमारा हो गया 6, जो कि नेगेटिव इनपुट है। और ये जो हो गया हमारा 7, ये हमारा फर्स्ट था, ये हो गया हमारा 7 नंबर, जो कि दूसरे साइड के ओप एम्प का आउटपुट है, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट, ये उसका आउटपुट हो गया, तो यहाँ पे ये यह हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से हम इसको, जो कि हमारा नेगेटिव इनपुट है, जो नेगेटिव वाइसिंग है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे अपना इस पे, जिसकी वैल्यू 1K की हम रख सकते हैं, 1K की ही रखेंगे, बहुत आसान से मिल जाती है 1K। उस तरीके की मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें आसानी से मिल जाए, पहले एक तरफ का ही सर्किट बना लेते हैं ताकि समझने और समझाने में भी आसानी रहे, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेके, जिसकी वैल्यू हम 10K की रखेंगे, 10K, और इसको फिर हम लगा देंगे अपने आउटपुट से कुछ इस तरीके से। तो लगभग लगभग ये हमारा तैयार हो चुका है। और जो हमारी ये जो आउटपुट है, फर्स्ट नंबर की पिन की जो हमारी आउटपुट है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जो कि 1K की होगी हमारी, 1K R1, आर ये रहा, एक आर ये रहा, जो कि 1K की होगी। अब जैसा सेम इसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कराया है, यहाँ से एक उठा के सेम इसी तरीके से इसकी जो पॉजिटिव इनपुट है, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि सेम वैल्यू की, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे 10K की, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वैल्यू होगी 10 ओम, ठीक है दोस्तों। और ये थोड़ा नीचे तक ले जाना था मुझे, देखो इससे जोड़ देंगे, जो कि हमारा ये ग्राउंड से लग जाएगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी नॉइस कुछ आ रही है, तो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर भी ऐड कर सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत ना ही पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा हो गया माइनस वोल्टेज VSS 9 वोल्ट माइनस, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक उठा के, ये माइनस हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, जो कि कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे आप 2200 उसका लगा सकते हैं, और इसको हम इससे, जो कि हमारा नेगेटिव इनपुट है, यहाँ से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, और फिर इसी पॉइंट को यहाँ से उठा के, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी पिन नंबर 4 है, जो कि हमारी ग्राउंड है, यहाँ से सबसे पहले उसको जोड़ लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगी, जो कि ग्राउंड हो जाएगी, यानी इस वाले ग्राउंड से, ना कि इस वाले से। फिर यहाँ से हम एक पॉइंट उठा के यहाँ पे हम लगा देंगे 10K की रेजिस्टेंस, और ये इसकी जो जो इस साइड की ओप एम्प की जो आउटपुट है ना,
इससे कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है ओप एम्प का। एक आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगी और एक आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगी, यानी यहाँ पे मैं फिर यहाँ से कुछ इस तरीके की हमारी आउटपुट हो जाएगी पुट प्लस, और ये हो जाएगी हमारी आउटपुट पुट नेगेटिव। और जो ये ग्राउंड है हमारा, सबका ग्राउंड टोटल एक ही होता है, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट हो जाता है कंप्लीट। और इस तरीके से आप एक मिनी, एक छोटा सा ओप एम्प बना के किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में बना सकते हो। अगर तो फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, अगली बार उसको और क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। और यही छोटा सा सर्किट है, इसको ओपन बना सकते हैं। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक तरीका और बता देता हूँ, जो कि ये रहा। इसमें हमारी जो 2 4558 लगी है, 1 4558 लो पास फिल्टर का काम कर रही है, और ये वाली 4558 जो हमारा ओप एम्प का काम कर रही है, जो हमारे 2 20 30 ICO से एक सबवूफर चलता है। तो इसमें मिनी एक ओप एम्प लगा, मिनी क्या ओप एम्प यही होता है। तो इसमें एक ओप एम्प लगा हुआ है, आप चाहो तो ये सर्किट यहाँ से इतना काट के आपका ओप एम्प बना बनाया है, माफ़ कीजिएगा, ये वाला ओप एम्प है, ये हमारा लो पास फिल्टर है। तो ये बना बनाया है, यहाँ से काटो, ये इसके कंपोनेंट उखाड़ के एक 0 PCB पे दोबारा से बना सकते हो। तो इस ये वाली वीडियो, जो मतलब इसमें से सामान निकाल के ओपन कैसे बनाए किसी भी खराब बोर्ड से, नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।